एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी को तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. हर ताली का तीज. और सुबह हो गई है, मैं उठ चुकी हूँ, धनवी उठ चुकी है. मैं धनवी को खिला रही हूँ खाना. और आज धनवी के स्कूल की हो गई छुट्टी, क्योंकि अभी भी टाइम है, स्कूल भेज सकती हूँ मैं. लेकिन आज इतना रो रही है ना, कभी नहीं रोती है स्कूल जाने के टाइम पे, आज बहुत ज़्यादा रो रही है. और आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करके गोदी में उठा के नहला धुला के वो करूँ. तो इससे मैं चलो ठीक है, आज एक छुट्टी करा देते हैं. काफ़ी टाइम हो गया, एक भी छुट्टी नहीं कराई है. और फिर मतलब थोड़ा पूजा पाठ में ना बच्चे रहते हैं तो अच्छा लगता है. इसीलिए अभी तो बहुत कन्फ्यूजन है, कितने बजे से कथा सुनना है, कितने बजे से क्या करना है. मतलब इतना कन्फ्यूजन आजकल हर त्यौहार में हो गया है ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा. कोई लोग कह रहे हैं कि 12 बजे तक, कुछ कोई कह रहे हैं कि इतने बजे तक, 3 बजे तक. तो अभी हम लोग गाँव में फ़ोन करेंगे, पंडित जी से पूछेंगे, मम्मी थोड़ा सो के उठ जाए. आपको पता है व्रत वाले दिन ज़्यादातर ना लोग ना सोचते हैं कि सो के अपना टाइम निकाल दें, बट मेरे से होता ही नहीं है, बिल्कुल भी मुझसे सोया नहीं जाता है. जिस दिन मेरा व्रत होता है, मैं इस टाइम ही उठ गई हूँ, अब मैं पूरे दिन ऐसे रहूँगी. जिस दिन भले व्रत नहीं होता तो मैं सो लेती हूँ, बट व्रत वाले दिन पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती है बिल्कुल भी. है, जल्दी जल्दी फिनिश करो, ठीक है. चले गए, ज़्यादा नहीं बोलना है आज, कम बोलना है. सो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में. पतिदेव ऑफिस चले गए हैं और ऑफिस से देखते हैं शाम तक कब तक आते हैं, बिकॉज आजकल ना ऑफिस से बहुत लेट हो जा रहा है उनको आने में. और आते हैं तो बहुत हारे थाके आते हैं, और आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत पेन रह रहा है. तो इसलिए थोड़े से आजकल उनका मन भी वैसा नहीं रह रहा है. इसलिए मैं ज़्यादा जिद भी नहीं कर रही हूँ उनसे वीडियो वगैरह बनवाने के लिए और रील्स वगैरह के लिए, क्योंकि यार इंसान जब अंदर से अच्छा फील करता है तो कोई भी चीज़ मन से करता है. जब अच्छा फील ही नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती, मेरी खुशी के लिए मैं नहीं चाहती कि मैं उनके साथ ज़बरदस्ती करूँ. इसलिए बाकी मैं आप लोगों से बताया, मैं ये लेके आई थी जिस दिन मैं मार्केट गई थी सुनार के यहाँ पे, उसी दिन मैंने ये लिया था हम तीनों के लिए, तीनों सास लोगों के लिए. और पता नहीं मैं आप सभी से शेयर करने की भूल गई थी, वो तो आज मुझे याद आया अचानक से जब मैंने अपने पैर की तरफ ध्यान दिया कि मेरे को पीछे वगैरह चेंज करने हैं. वरना मैं पता है इसको खरीद के और ऐसे ही अपने पास ही भूल जाती हूँ. और जब तीसरे बार चला जाता ना तब मुझे याद आता कि अरे मैंने ये सबके लिए ये खरीदा है. तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग बताना है कि डिज़ाइन कैसा लग रहा है. सो हम लोग ना हर साल तीज पे बिछुए चेंज करते हैं. मुझे नहीं पता सबके यहाँ पे ये सेम चीज़ होती है या नहीं, बट हमारे यहाँ पे होती है, हम लोग बिछुए चेंज करते हैं. तो इस बार मैं ये बिछुए लेके आई हूँ हम तीनों के लिए, आपको बताना कैसा लग रहा है. सबसे पहले तो ये वाला है, तो सबसे पहले तो ये वाला है, ये हम दोनों के लिए लिया है मैंने, क्योंकि हम दोनों ना इसी तरीके का बिल्कुल छोटा छोटा पहनते हैं. बिकॉज हील्स वगैरह ना पहनो तो उसमें फिर चोट वोट लगने का दिक्कत नहीं होता. तो ये दो दो हम दोनों पहनेंगे, हम लोग दो दो ही पहनते हैं. सो ये दो दो लिया है हम दोनों के लिए. और फिर ये वाला लिया है सासू माँ के लिए, उनके लिए भी चार ले लिया. चार मैंने इसलिए लिया था ना कि मतलब ऐसा था कि इसमें से अगर दो पसंद नहीं आया भाभी को तो फिर इसमें से दो ले लेंगे. तो इस हिसाब से मैंने ये चार लिए थे. अभी तो दोनों जने अपने अपने रूम में ओढ़ गया, जैसे ही उठते हैं वैसे ही फिर मैं ले बैठे नहा के. और नहीं नहा लेंगे, नहीं नहाने से पहले पहनते हैं बाद में पहनते हैं, बट मतलब दे दूँगी मैं जैसे सो के उठेंगे. कैसा लग रहा है डिज़ाइन कमेंट में बताइएगा. और बड़ा कन्फ्यूजन है गाइस, टाइम को लेके बड़ा दिक्कत हो रहा है. चलिए मिलते हैं आप लोगों से. क्या बना दोगे मेरे लिए? खाना बना दोगे मेरे लिए? पर आज तो मम्मा का व्रत है, मम्मा को ना खाना खाना है ना पानी पीना है. बताओ फिर क्या करोगे, क्या बनाओगे मम्मा के लिए खाना? और आपको बनाने आता है? कहाँ बनाने आता है, कब बनाया था आपने? ये गंदी बात नहीं करते. नहीं बेटा, रबड़ नहीं डालते मुंह में. पहले बताओ और क्या बना आपने, कब बनाया था खाना? मुंह में नहीं डालना.
गाइज़, उसके बाद फिर मम्मी भी सो के उठ गई थी, तो मैं आ गई थी मम्मी के रूम में, और मम्मी की जो तैयारी है, मैंने सोचा नहाने से पहले चूड़ी वगैरह सब सेट लगा के रख देती हूँ, और जो नेल पेंट वगैरह रिमूव करना है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे मम्मी की साड़ी, ब्लाउज, सारी चीज़ें एक जगह मैंने सोचा करके, और सब चीज़ें फिर ना टाइम से हो जाती है, फिर ऐसा होता है कि चलो अपना कुछ कर लो, तो ये रहता है दिमाग में कि हाँ मम्मी का सब कुछ तैयार कर दिया है तो उनको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर ना मम्मी जो हम लोग छूते हैं, जैसे 16 सिंगार जिसे कहते हैं ना, इसमें सब कुछ होता है, बिंदी, सिंदूर, सीसा, कंघी, सारी चीज़ें यहाँ पे मम्मी हम तीनों के लिए लेके आई थी, तीन तीन, तो यहाँ पे हम सब उस चीज़ को ढूंढ के और एक जगह ही रख रहे थे ताकि जब नहा धोवा के आए तो ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना पड़े और एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए और फिर पूजा का मतलब ज़्यादा समय ना लगे। गाइज, आप लोग भी मुझे पता है जब ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो आप लोग को भी बहुत पसंद आने वाला है और आप लोग बहुत प्यार देने वाले हैं, तो सारी ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी नहाने जाने से पहले ही। और यहाँ पे अभी मम्मी का थोड़ा चूड़ी उड़ी सब सेट कर दिया है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि पूजा की टाइमिंग ना थोड़ा सा वहाँ पे ना मम्मी के रूम में साइड में रख दो, ये वो है पूजा के लिए फल है, तो पूजा का जो टाइमिंग है वो दो पार्ट में हो गया है, तो अभी जो छूने वाला पार्ट है, जो मतलब हम लोग छूएंगे व्रत जो पूजा का, तो वो अभी हम लोग कर लेंगे और उसके बाद जो मंदिर जाना है वो हम शाम को जाएंगे, तो अभी मैं पूजा छूने के लिए तैयार हो जाती हूँ सिंपल सा, और उसके बाद में मंदिर जाने के लिए फिर रेडी होंगी। ये वाली साड़ी सोच रही पहन ले रही हूँ इस टाइम और फिर देखते हैं। उसके बाद जो फ्रूट्स वगैरह सब मंगाना था पूजा के लिए वो मैंने मंगा लिया, एंड अभी जो मम्मी का नेल पेंट है, क्योंकि रिमूवर नहीं था तो इस चक्कर में नेल पेंट नहीं लगा पाई थी। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ नहा के और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। सुबह सुबह तीसरे बार में ना लाल पीला भी अच्छा लगता है, सो इसीलिए मैंने सोचा कि ये पहन लेती हूँ। कैसी लग रही है साड़ी कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा दीपक होती कर लेते हैं, जरा सा, ज्यादा नहीं, जरा सा, थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ और मस्त एकदम रेडी हो जाते हैं और पूजा कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ आज पहनूँ कांच की चूड़ियाँ, कांच की, लेकिन मेरे कांच का चूड़ी मुझको मिलेगा नहीं, समय पे कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, मम्मी लाई है पहनने के लिए, तो उसी में से जाती हूँ, देखती हूँ। ये पहन लूँ पिंक, रेड, रेड अच्छा लगेगा ना, रेड 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 रेड। चलिए गाइस, कांच की चूड़ियाँ में मेरे पास रेड ऑप्शन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इसी में से पहन लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। सो गाइस, आप लोगों ने अब पता है क्या हुआ, सुबह सुबह ब्रश कर लिया है, अब बहुत जल्दी प्यास लग रही है, क्योंकि ब्रश वगैरह नहीं करे रहो तो प्यास कम लगती है, बट अब कर लिया तो लगेगी प्यास, क्या करें, इस बार इतना ना ज़्यादा वैसे पड़ गया है ना, थोड़ा सा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वैसे मुझे पता सारी लेडीज जो सज रही होंगी, संवर रही होंगी, उनको प्यास नहीं लगेगी, सजने संवरने में ना नहीं लगती है। सो हम थोड़ा सा बाल बाल बना ले, इयररिंग सोच रही हूँ दूसरा पहन लूँ, इसको निकाल देती हूँ, मंगलसूत्र अपना पहन लेती हूँ, वो वाला तीज वाला। सो गाइस, ये वाला मंगलसूत्र अपना पहन लेती हूँ, गोल्ड वाला, ये मेरा लास्ट ईयर तीज गिफ्ट है, पिछले साल पतिदेव ने मुझे तीज पे दिया था, और इसके साथ पहनूंगी, कुछ भी नहीं पहनूंगी, सिर्फ यही पहनूंगी, और इयर रिंग्स पहन लेती हूँ, कौन से वाले, कौन से इयर रिंग्स पहने जाए, ये वाले वाले नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं आर्टिफिशियल, कोई अच्छा सा है, ये अच्छा सा नहीं है, गोल्ड का है, मारूंगी अभी नहीं, मतलब अभी नहीं, बाद में तो आर्टिफिशियल पहनूंगी, अभी ये वाला पहन लो, है ना, नहीं ये वाला नहीं पहनना है ना। फिर अभी करते हैं थोड़ा सा मेकअप,
सिंदूरा से लगाएंगे सिंदूर। मेरा फर्स्ट लुक। अरे बहुत बेकार है। लेकिन मम्मी ब्रश करने के बाद नहीं तो वो कर लो। और आज के दिन ना हमारा सिंदूरा से सिंदूर जो लगाते हैं ना, ये हमारी जब शादी होती है ना तो ससुराल की तरफ से ये आता है, इसको हमारे यहाँ सिंदूरा कहते हैं, जिससे सिंदूर से शादी होती है और येलो सिंदूर हमारे यहाँ होता है। तो आज के दिन छठ पूजा के दिन जब भी मतलब बड़ा त्यौहार हो, सुहागनों का त्यौहार, तो हम लोग सिंदूरा से ही सिंदूर लगाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अब लगवा रही हूँ मैं रवीना से महावर, जो कि सोलह सिंगार में सबसे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पे रख के लगा लेती हूँ मैं टाप, नीचे नहीं देखता। और ये मैंने रवीना को नहीं बोला, रवीना ने खुद बोला है। हाँ रवीना, दो भाभी मैं लगाऊँ, मतलब जब से रवीना हमारे साथ है तब से जैसे जैसे पड़ता है ना छठ पूजा तीज त्यौहार, तो रवीना लगाती है कि दो भाभी मैं लगाऊँगी। सो आता है रवीना को अच्छे से ना लगाने, हर साल लगाती है। खैर, सो यहाँ पे मेरा चल रहा है सोलह सिंगार और ये है मेरा फर्स्ट लुक आज का, जब मैं पूजा के लिए रेडी हुई हूँ। अभी सारा सामान वगैरह भी सरिया लेती हूँ, मम्मी भी आ जाएंगी तो वो भी नहाने गई हैं, तो नहा के आ जाती हैं, फिर हम सारे तीनों जने मिलके और जो पूजा का वो है वो छू लेंगे। अभी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है बिकॉज शाम को तो रेडी होना ही है, तो इसलिए अभी मैं सिंपल सी ही हूँ और ये रेड साड़ी पहन ली है। और गाइज मैं क्या कह रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। सो गाइज चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलता रहे। इसके बाद मैं यहाँ पे मम्मी को जो सिंदूर है वो लगा रही थी और मम्मी का है, ये मम्मी का सिंदूरा है। और ये मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से रेडी हुए हैं दोनों ही सास बहू, तो यहाँ पे मम्मी को सिंदूरा से सिंदूर लगा रही थी। और यहाँ पे ना मम्मी मुझे अपना तागपात दिखा रही है, जो हमारे यहाँ भसूर पहनाते हैं ना, तो ये मम्मी दिखा रही थी कि ये मेरा है। और कितने बरस हो गए मम्मी की शादी को और आज तक ऐसे सिंदूरा में ही डाल देते हैं, मेरा भी सिंदूरा के अंदर ही है, बट मेरा थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का था और मम्मी का थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का था। यहाँ पे जो पांच फल मंगाया था वो थोड़ा थोड़ा से ही मंगाया था, क्योंकि ऑलरेडी कल मेरे घर से आया था ना तो वो बहुत सारा था, तो इसलिए फिर ज़्यादा मंगाने से ना वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ही मंगाया था। तो मैं अभी सब फल को अच्छे से वॉश करके एक जगह इकट्ठा करके रख लूँगी। क्या कर लिया है? Yeah.
तो गाइज अभी सारा जो तैयारी है वो सारी तैयारी हो चुकी है और मतलब सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके रख लिया है। बाकी थोड़ी देर में हम लोग जो पूजा का वो है वो छू लेंगे, जो पंडित जी को देते हैं सोलह सिंगार फल फ्रूट और साथ में जो चावल का आटा होता है वो सारी चीज़ें छू के और फिर पंडित जी को देते हैं, तो वो कर लेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से रेडी होंगे और फिर शाम की पूजा के लिए जब सब लोग ऑफिस से आ जाएंगे तो फिर हम लोग सब लोग मिलके साथ में जाते हैं मंदिर और मंदिर में पूजा करते हैं। कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे? अच्छा नीचे पापा जी को। अच्छा तो गाइज मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मेरी सासू माँ कैसी लग रही है। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने। रवीना थोड़ा जल्दी आना बेटा, काम है, पता है क्या काम है, वो करना है, तो इसीलिए हाँ आप लोगों ने बहुत सारा ब्लेसिंग दिया है मम्मी को। और हाँ आज मम्मी की तबीयत ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, काफ़ी प्यार दिया है आप लोगों ने। और किस किस को ब्रश करने के बाद थोड़ा सा मन लटपटाने लग जाता है कमेंट में बताइएगा, मेरा थोड़ा इतना परसेंट सा थोड़ा सा हो रहा है, बाकी मेहंदी का कलर कुछ ऐसा आया है। और कितनी अंदर से खुशी होती है ना, और कितना अच्छा लगता है कि हम अपने हस्बैंड के लिए निर्जल उपवास करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। माता रानी सबका सुहाग ऐसे ही बनाए रखे और सब अपने पति की लंबी उम्र के लिए जन्मों जन्मों तक इस तरीके के व्रत करें, सदा सुहागन रहें, सबका सुहाग अमर रहे, अमर हाँ सबका सुहाग अमर रहे। चलिए चलते हैं। ढूंढ रहे हो दादी का चूड़ी? चूड़ी ढूंढ रहे थे, ये ला लो दादी का चूड़ी, आराम से आराम से। आप भी नहाओगे क्या दादी को चूड़ी? अच्छा पहना दो। इस यहाँ पे मम्मी भूनेंगी चावल का जो सत्तू होता है ना हमारे यहाँ पे, भून के और उसको ही छूते हैं और पंडित जी को देते हैं। वैसे मेरे मायके से आया हुआ था तो हमने सोचा कि अब क्या ही अलग से लेना, वही यूज़ कर लेते हैं। एक साइड में दूध रख रही हूँ और फिर मम्मी उसी की तैयारी में लगी हैं। फिर सोचा कि घर का भी होना चाहिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चावल को ना ऐसे मिक्सी में पीस लिया और उसको ही ऐसे मिक्स कर दिया, जो चावल का आटा है वो भून के, और इसी में चीनी डाल के हमारे यहाँ व्रत भी खोलते हैं और यही हम लोग छू के पंडित जी को भी देते हैं। उसके बाद मैं और मम्मी यहाँ पे बैठ के जो छूने का सामान है वो सारा चीज़ एक जगह करके इकट्ठा कर रहे थे तीनों जने का, कि टाइम से कर लिया जाए, फिर मुझे रेडी भी होना है और क्योंकि फिर लेट हो रहा है काफ़ी, तो इसीलिए था कि जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि तैयार होने में भी फिर टाइम लगता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जो फल फ्रूट है, मतलब आज ना मेरा चलते चलते भागते भागते एकदम गला सूख गया है, कभी कुछ कभी कुछ, एकदम हालत ख़राब हो गई है अंदर से। और अभी हम लोग सारी चीज़ें एक जगह अरेंज कर लिए और अब हम लोग लेके जाएंगे नीचे हमारा जो मंदिर है वहाँ पे हम लोग छुएंगे और वहाँ पे जो हमारी पूजा है वो होगी, मतलब छूने वाली। उसके बाद जो पूरी जो और पूजा है वो सारी हम लोग मंदिर में जाके करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, शंकर जी और पार्वती माता की वो यहाँ पे सिंदूर लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग वही सिंदूर अपने माथे में भी लगाते हैं। फिर उसके बाद फूल वूल चढ़ा के और सारा जो छूते हैं वो छुएंगे। गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे नेक्स्ट लुक का इंतज़ार करिए कि हम किस तरीके से कैसे रेडी होते हैं। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टाटा।